कहानी की शुरुआत में मैट और केट को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क में अपने नए घर में रहने के लिए आए हैं। वो आते ही घर को साफ करने लग जाते हैं और अचानक केट को किचन में एक मरा हुआ पक्षी दिखाई देता है। वो उसे दफनाने के लिए बाहर ले जाती है, तभी मैट खिड़की से पुराना सामान बाहर गिराने लगता है जिससे केट का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है। जब वो वापस देखती है तो वो पक्षी वहाँ पर मौजूद नहीं होता। दूसरी तरफ मैट को दीवार पर कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है। जब वो पेपर को फाड़ देता है तो उसे एक बड़ा सा दरवाजा नजर आता है जिसकी चाबी उसके पास नहीं होती और वो कबाड़ में चाबी देखता है। जैसे ही उसे चाबी मिल जाती है वो उसे की होल में डालता है, साथ ही केट को बुलाता है और वो दोनों साथ मिलकर दरवाजा खोलते हैं। तभी वहाँ की तमाम लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए मैट पावर कंपनी को कॉल करता है। जब मैकेनिक आता है तो वो देखते हैं कि घर की तमाम वायर्स अजीब तरीके से जुड़ी हुई हैं। वो मैकेनिक कहता है कि उसने इस तरह का सिस्टम आज तक नहीं देखा। जाने से पहले वो मैकेनिक मैट को बताता है कि उस घर के पहले मालिक का मर्डर इसी घर में हुआ था। ये सुनकर मैट इस घर के बारे में काफी रिसर्च करता है जिससे उसे पता चलता है कि मरने वाले कपल का नाम पॉल और मैडलिन था, जबकि मर्डर का कुछ पता नहीं चला। एक आर्टिस्ट था तो वो उस मर्डर की तस्वीर बनाने की कोशिश करता है। इसी दौरान वो थक कर मिस्टीरियस रूम में जाकर आराम करता है और साथ में शराब पीता है, लेकिन जब वो बॉटल खत्म करके नीचे रखता है और कहता है कि काश उसके पास एक और बॉटल होती। इसके बाद अचानक लाइट टिमटिमाने लगती है और उसके सामने शराब की बोतल आ जाती है जिससे वो चौंक जाता है। उसे पता चलता है कि ये रूम उसकी हर एक इच्छा को पूरा करेगा। दूसरी तरफ कैट मैट की तरफ आती है तो वो रूम पूरी तरह से नई चीजों से भरा हुआ होता है और मैट बहुत खुश दिखाई देता है। मैट उसे बताता है कि ये रूम उसकी हर इच्छा को पूरा करेगा। ये सुनकर मैट उसे कोई भी चीज मांगने को कहता है। कैट $1 million मांग करती है जिससे रूम की लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं और वहाँ पे $1 million आ जाते हैं, जिसे देखकर कैट दौड़कर वहाँ से बाहर आ जाती है। लेकिन मैट उसे समझाता है कि हम इस रूम से फायदा उठाकर लग्जरियस लाइफ गुजार सकते हैं। फिर वो इस रूम से अपने पसंद की हर चीज हासिल करते हैं, मनपसंद कपड़े, शैंपेन, कीमती चीजें और ढेर सारे पैसे। इन सब चीजों से वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब अगले कुछ दिनों तक उनकी जिंदगी बहुत ही शान शौकत से चल रही होती है। वो हर रोज पार्टी करते हुए, मौज मस्ती करते हुए गुजारते थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद कैट इस जिंदगी से तंग आ जाती है। मैट को उसे देखकर परेशानी होती है तो वो कहता है कि उन्हें बच्चा पैदा करना चाहिए, लेकिन कैट कहती है कि पहले दो बार उसका मिसकैरेज हो चुका है। इसके बाद वो दोनों उदास हो जाते हैं। कुछ ही समय बाद कैट उस विशिंग रूम से एक बच्ची की विश करती है, जिसे देखकर मैट उसे बताता है कि उसे ये काम करने से पहले मैट से सलाह करनी चाहिए थी। कैट कहती है कि वो दोनों इस बच्चे के साथ बहुत खुश रहेंगे, लेकिन मैट इस बात से एग्री नहीं होता और वो कैट से इस बच्चे के गायब होने की विश कहता है। वो दोनों बच्चे के साथ रूम में आ जाते हैं, लेकिन कैट बच्चे को गायब करने की विश नहीं कर सकती। वो रोते हुए बच्चा मैट को दे देती है। बच्चे को गोद में लेकर मैट भी उसे गायब करने की विश नहीं कर पाता। वो इमोशनल होकर बच्चा कैट को वापस देकर वहां से बाहर चला जाता है। ऐसे ही एक दिन मैट अपने अधूरे स्केच को देखता है। वो रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि उस मर्डर का नाम जॉन है और वो इस वक्त किसी साइकेट्रिस्ट के पास है। मैट उसे मिलने के लिए वहां से चला जाता है। हॉस्पिटल जाकर थोड़े बहुत सवाल जवाब करने के बाद नर्स उसे जॉन से मिलवा देती है, जो बहुत ज्यादा बुढ़ा हो चुका होता है। मैट उससे उस रूम के बारे में पूछता है और ये भी कि उसने उस घर के पहले मालिक को क्यों मारा। तो जॉन बताता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो मैट को बताता है कि जितनी जल्दी हो सके उसे वो घर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान की हर ख्वाहिश पूरी होने लगे तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। मैट वहां से वापस आने लगता है तो रास्ते में एक पंप से पेट्रोल के लिए वो पैसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पॉकेट में सिर्फ धूल होती है, जिसे देखकर वो जल्दी से घर आ जाता है और वो पैसे बाहर गिराने लगता, साथ में पेंटिंग भी बाहर रखता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो इस घर से कोई भी चीज बाहर नहीं ले जा सकता, क्योंकि कोई भी चीज बाहर आते ही धूल बन जाती है। मैट गुस्से से उस रूम की मिस्ट्री जानने के लिए उसकी दीवार को तोड़ने लगता है, जिसमें उसे सिर्फ और सिर्फ वायर्स ही नजर आती हैं। और अचानक उसे उस घर का एक मैप भी दिखाई देता है जिसमें सिर्फ वायर्स के कनेक्शन की जानकारी होती है। इसी बीच कैट बच्चे को साथ लेकर रूम से बाहर जाने लगती है, लेकिन मैट उसे बाहर जाने से रोक देता है।
वो उसे असल वजह नहीं बताता और कहता है कि बच्चे को बाहर ले जाना सेफ नहीं है। कुछ दिनों बाद बच्चा किसी दर्द के कारण बहुत ज्यादा रोने लगता है। कैट उसे बाहर ले आती है। वो बच्चा बड़ा होने लगता है और मैट जल्दी से उसे अंदर लाता है। जब कैट अंदर आती है तो वो बच्चा अब काफी बड़ा हो चुका होता है। फिर मैट उसे सब कुछ बताता है कि वो उस रूम की दी हुई कोई भी चीज बाहर नहीं ले जा सकती, लेकिन कैट फिर भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो उसे शेन के नाम से बुलाती है। कैट उसे घर पर पढ़ाती है और शेन घर से बाहर जाने की जिद करता है, लेकिन कैट कहती है कि बाहर का वातावरण उसके लिए सही नहीं है। जब भी कैट और मैट घर से बाहर जाते हैं तो वो दोनों दरवाजा बंद कर देते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है मैट अपनी गन से निशाना साधने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर रात में शेन को अपने घर में चक्कर लगाते हुए मैप दिखाई देता है, जिसे देखकर वो नीचे एक रूम में पहुंच जाता है। पूरी रात लाइटें टिमटिमाती रहती हैं और सुबह के वक्त कैट और मैट उठकर शेन की तरफ जाते हैं तो वो दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि शेन ने अपने रूम के अंदर ही एक बहुत बड़ा आउटडोर एरिया क्रिएट कर लिया था। कैट शेन के साथ खुशी से खेलने लगती है, लेकिन मैट को बहुत गुस्सा आता है और वो शेन को घर के अंदर ले आता है। मैट की इसी हरकत से उन दोनों में बहस होने लगती है और दूसरी तरफ शेन बिना इजाजत के फोन उठा लेता है। मैट जल्दी से फोन लेकर खुद बात करता है तो फोन पे जॉन होता है, जिसे शेन से बात करके जॉन को पता चल चुका होता है कि उन लोगों ने एक बच्चे की विश की थी। उधर किचन में रखे फोन से कैट उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। जॉन बताता है कि शेन की नॉर्मल जिंदगी चाहिए तो कैट को मरना होगा। अगर कैट मर जाए तो शेन की एज भी आम आदमी की तरह बढ़ेगी और वो बाहर भी आ सकता है। जॉन मैट को एक और राज बताता है कि मैट भी उस रूम का दिया हुआ ही बच्चा था और उसे बचाने के लिए उसकी माँ ने उसके बेटे को मार दिया था। फिर वो मैट से कहता है कि उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो शेन को मारकर कैट को बचा ले या फिर कैट को मारकर शेन को बचा ले। ये सब कुछ सुनकर कैट को बहुत दुख होता है और वो घर छोड़कर चली जाती है, जिससे मैट को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। दरअसल कैट खुद को मारना चाहती थी लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ मैट का रवैया शेन के साथ पागलों जैसा हो जाता है। वो उसका स्टूडियो भी तबाह कर देता है। सुबह होती है तो मैट को अपनी गलती का एहसास होता है और वो शेन के पास जाकर उससे माफी मांगता है। फिर मैट उसे स्टोरी सुनाने लगता है और वो दोनों साथ में सो जाते हैं। रात को जब कैट घर आती है तो उन दोनों को साथ देकर वो बहुत खुश होती है। फिर वो दोनों साथ सो जाते हैं और सुबह होते ही शेन उनके कमरे से चाबी निकाल लेता है। कैट और मैट भी जल्दी से नीचे आते हैं और दरवाजा खुला देखकर वो समझ जाते हैं शेन बाहर गया हो। तभी घर के एक अलग हिस्से में शेन को देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। शेन भी बड़ा हो चुका है लेकिन उसका दिमाग अभी भी बच्चों जैसा ही है। वो उन दोनों की तरफ गन तान लेता है तो कैट उसे समझाने की कोशिश करती है और इसी दौरान मैट उस पर हमला करता है। उन दोनों में फाइट होने लगती है जिसके कारण कैट बेहोश हो जाती है। जब वो उठती है तो मैट उसे बताता है कि फाइट के दौरान गलती से शेन को गोली लगी और वो मर गया। वो बहुत उदास होती है। दूसरी तरफ असली शेन को होश आता है और वो कैट को हर तरफ तलाश करता है। फिर वो उस रूम की तरफ जाता है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि शेन उसकी शक्ल में अंदर कैट के पास होगा। अंदर कैट को भी पता चल जाता है कि वो मैट नहीं बल्कि शेन है, क्योंकि मैट खाने के साथ आइस ड्रिंक में आइस नहीं लेता। दूसरी तरफ असली शेन उस रूम से बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि शेन ने रूम का इस्तेमाल करके उस एरिया को बहुत बड़ा कर दिया है और उसके सामने वैसा ही घर भी बना लिया है। मैट जल्दी से भागता हुआ उस घर तक पहुंच जाता है जहां पे मैट और कैट मौजूद हैं। वहां पे शेन कैट के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन मैट को वहां देखकर शेन उसके साथ फाइट करने जाता है। मौका देखकर कैट वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हॉल में दो दो मैट को लड़ता देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि असली मैट कौन है। वह अचानक वो जोर से शेन का नाम लेती है जिससे वो कैट की तरफ देखता है और वो उसे जोर से धक्का देती है जिससे वो वापस अपने रूम में आ जाता है। वो दोनों उस घर से नहीं निकल सकते क्योंकि शेन ने उनका घर से न निकलने की विश मांगी थी। जब वो मेन डोर के सामने आते हैं तो शेन वहां पर आकर मैट को चाकू मार के उसे मार देता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो दोनों क्लोन थे। असली कैट और मैट वहां से भाग जाते हैं और शेन भी जल्दी से उनका पीछा करने लगता है। जब वो असली घर में आते हैं तो शेन वहां पे आकर मैट पर हमला करता है, लेकिन मैट उसे साथ लेकर बाहर कूद जाता है जिससे शेन जल्दी से घर के अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन कैट दरवाजा बंद कर देती है। अब शेन के आगे बहुत तेजी से बढ़ने लगती है
और कैट उसे देखती रहती है। फिर उसकी बॉडी गलने लगती है और अंत में वो डस्ट बन जाता है और उसकी गलतियों के बावजूद भी कैट उसकी राख को पकड़कर रोने लगती है क्योंकि उसने शेन को अपना बेटा मानकर उसके साथ समय बिताया था। इसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है।